हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ ये पीनट चटनी, मूंगफली की चटनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसे घर में थोड़े से लिक्विड फॉर्म में खाएं, या फिर टिफ़िन में ले जाने के लिए थोड़ी सी सूखी कंसिस्टेंसी में लेके जाएं। दोनों ही तरीके से मैंने इस वीडियो में बनाया है, तो इसे आप इडली, डोसा, अप्पे या फिर उत्तपम या फिर रोटी के साथ ही खाने के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप मूंगफली ली है, जिसको हमें बिना घी या तेल डाले सूखा भून लेना है। और गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखी है बीच में। तीन से चार मिनट लगते हैं। मूंगफली हमारी भून के तैयार है, आप देख सकते हैं इसमें चटकने की आवाज़ आती है। दूसरा, मूंगफली जो है उनके छिलके वो सारे क्रैक पड़ जाते हैं उनमें, तो उससे पता चल जाता है कि हमारी मूंगफली भून चुकी है। तो इसको मैं प्लेट में निकाल के खाली करती हूँ। कढ़ाई, जिस कढ़ाई में हमने मूंगफली भूनी थी सेम उसी कढ़ाई में मैं यहाँ डालूंगी 2 से 3 चम्मच तेल। जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज लिया था जिसे मोटे मोटे टुकड़े में कट कर दिया था, वो डालेंगे इसमें। 2 हरी मिर्ची और 8-10 लहसुन की कलियाँ। इन सबको हम ऐसे ही साबुत इसमें बड़े बड़े पीसेस में, और यहाँ मैंने गैस की फ्लेम तेज रखी हुई है, इसको हम तेज़ आंच पे भूनेंगे। ये देखिए यहाँ पे प्याज लहसुन जो है वो हमारे भून चुके हैं, तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी। यहाँ मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, उसको भी मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। अगर आपके पास छोटे टमाटर हो तो फिर आप 2 डालें। और गैस की फ्लेम मेरी अभी तक हाई है, हाई पे ही मैं कर रही हूँ, पर अगर आप एल्यूमिनियम की या फिर दूसरी कढ़ाई यूज़ करें तो गैस की फ्लेम से कम रखिएगा, वरना बर्तन में चिपकने का डर रहता है। यह मेरी नॉनस्टिक कढ़ाई है इसलिए मैंने हाई फ्लेम रखा हुआ है। टमाटर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच गरम मसाला। ये मसाला डालने का ही चम्मच है, इसको मैंने भर के अच्छे से 2 चम्मच लिया है। और 2 चम्मच धनिया पाउडर। नमक मैं अभी ऐड नहीं करूंगी, इसको मिला लेंगे अच्छे से। और अब टमाटर को थोड़ा हमें सॉफ्ट करना है, तो हाई फ्लेम पे ही मैंने यह रखा है। टमाटर जब हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तब मैं गैस की फ्लेम बंद करूंगी। टमाटर भी अभी यहाँ सॉफ्ट हो चुके हैं, अभी इसमें मैं मिलाऊंगी 1/4 कप ये सूखा नारियल, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और इसको हमें भूनना नहीं है, बस हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ मैं गैस की फ्लेम करूँगी बंद, और इस मसाले को मैं निकालूँगी एक प्लेट में, और इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसे पीसेंगे। यहाँ हमारा चटनी के लिए जो हमने प्याज टमाटर भूना था वो सूख ठंडा हो चुका है, तो इसको मैं मिक्सी के जार में निकाल लूँगी। और साथ ही इसमें मैं मूंगफली भी ऐड कर दूंगी जो हमने सूखी भूनी थी। पहले मैं इसको एक बार सूखा चला लेती हूँ ताकि थोड़े अच्छे से ये पिस जाए, उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दही मिलाएंगे। ये देखिए एक बार इसको चला लिया है, तो ये सूखा बहुत ज़्यादा अच्छे से बारीक नहीं पिसती है। तो यहाँ मैं 3/4 कप मैंने डाला है यहाँ पे दही, इसको दही के साथ एक बार पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी नारियल और मूंगफली की चटनी बनके तैयार है। ये अभी गाढ़ी है, आप इसमें अब नमक मिला सकते हैं
इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, और सफ़र में, बच्चों के टिफ़िन में या हस्बैंड के टिफ़िन में अगर आपको लगे कि चटनी पतली हो जाती है तो आप ये इस तरीके की गाढ़ी चटनी डाल सकते हैं, ये टिफ़िन में लीक नहीं होगी। और दूसरा, अगर आपको घर में खाना है या आपको इतनी गाढ़ी चटनी नहीं पसंद है तो इसमें मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाली हूँ। ये सूखी चटनी है और इसमें मैं मिलाने वाली हूँ आधा ग्लास पानी, और इसको मैं मिक्सी में चला के इसको पतला पेस्ट थोड़ा कर लूँगी, और उसके बाद इसको कढ़ाई में हम लगाएंगे तड़का। जिस कढ़ाई में मैंने चटनी के लिए प्याज टमाटर भुना था उसी में ही मैं तड़का लगा रही हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई धो के भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच डाला है तेल, और तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच राई और 6-7 कड़ी पत्ता। ₹180 हल्दी और साथ ही इसमें जो हमने चटनी पीसी थी पतली करके उसको हम डाल लेंगे। गैस की फ्लेम में अभी कम करूंगी क्योंकि हो सकता है चटनी कढ़ाई में चिपकने लगे, तो पहले इसको अच्छे से मिक्स करें। और इसमें अब हम मिलाएंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब आप एक बार गैस की फ्लेम मीडियम कर सकते हैं। यह हमारे सारे मसाले अच्छे से भुने हुए हैं, चाहे वो मूंगफली हो या प्याज टमाटर लहसुन, इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। एक बार इसमें उबाल आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और हमारी चटनी रेडी। तो ये देखिए चटनी में बबल्स आने शुरू हो गए हैं और हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। इसको आप इडली, डोसा, अप्पम, अगर कुछ नहीं तो आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।